गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद में हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कैसे हम मोशन इन प्लेन में काइनेमेटिक्स करते हैं और किसी भी जो प्रोजेक्टाइल है, बॉडी है, उसका हम मोशन फाइंड करते हैं कि हमने क्या किया, उसको एक्स और वाई दो अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। क्योंकि कोई भी बॉडी है, जब हम उसे प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, बाइफरकेट सेपरेट कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। और फिर एक्स कंपोनेंट में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं और वाई कंपोनेंट में अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। फिर हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हमने फाइंड किए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फिर उसके बाद में हमने कितनी हाइट तक वो प्रोजेक्टाइल बॉडी जाएगी और क्या रेंज होगी। ठीक है, रेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आती है, हाइट वर्टिकल कंपोनेंट में आती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि कितनी देर तक वो बॉडी हवा में रही या उड़ती रही। ठीक है, तो ये सब हमने फाइंड किया था और उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल किए थे। आज हम फाइंड करेंगे कि रेंज इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमने ग्राउंड से ग्राउंड में जो हमने प्रोजेक्टाइल बॉडी की थी उसको हम उसकी हम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं। रेंज हमने कल भी फाइंड कर ली थी, बट हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फाइंड करेंगे और उनसे ऑब्जर्वेशन लेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमने फर्स्ट कल के लेक्चर में देखा था कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंक दिया, तो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल करते हुए वो बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने रेंज क्या किया था कि ए से बी की जो एक्स एक्सिस पर जो रेंज है वही क्या है, मतलब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस का, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया था वो थीटा था। ठीक है, जब थीटा एंगल था तो हमारे पास क्या आया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि u सेम है, ठीक है, u सेम है, थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंगल, थीटा एंगल ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, x माइनस 90 माइनस थीटा से हम उसे प्रोजेक्टाइल करते हैं और वेलोसिटी हम सेम रखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये किसी बी डैश पॉइंट पर गिरता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें थीटा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस थीटा लिख दिया, और साइन 2 थीटा है तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब 180 में से कोई भी हम एंगल माइनस करते हैं तो थीटा कोस में चेंज नहीं होता है और वापस साइन थीटा हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, तो आप एक मेजर वाला देख लीजिए कि क्या होता है कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है, और जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो साइन थीटा ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम एक और देखना चाहेंगे कि कोस का भी देख लें, तो कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, और कोस 180 माइनस थीटा होगा तो वो माइनस का कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, माइनस का कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा तो वो उस एंगल उस कोऑर्डिनेट में उस एरिया में कोस क्या होता है, माइनस का थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर साइन 180 माइनस 2 थीटा है तो वो क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यानी कि जो हमारे पास ये रेंज आई 90 माइनस थीटा पर और ये जो रेंज है हमारे पास थीटा पर, ये दोनों सेम है, देखो आप दोनों सेम है, इक्वल है। यानी कि जो ये बी डैश पॉइंट है ये बी डैश पॉइंट नहीं है, ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर था,
यानी कि ये भी वही बी पॉइंट है, यानी कि ए से बी के पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस का वो भी क्या है, आर है। तो यहां से हम देखना ये चाहते हैं कि अगर हम थीटा एंगल पर फाइंड करें रेंज, या हम 90 माइनस थीटा एंगल पर फाइंड करें जो कि थीटा का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हम रेंज फाइंड करते हैं तो दोनों एंगल्स पे हमारे पास जो रेंज फाइंड होती है वो सेम होती है, ठीक है। यानी कि हमने लिखा है कि फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी यू, यानी कि उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया हमने, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं थीटा, और उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि दो ऐसे थीटा जिनका एडिशन क्या है 90 है, 90 माइनस थीटा, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा 90, यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका एडिशन क्या होता है 90, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि दोनों एंगल का जो एडिशन है वो क्या आ रहा है हमारे पास 90 है। तो ऐसे एंगल्स पे जब हम किसी सेम वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो दोनों एंगल्स पर हमारे पास जो रेंज है वो क्या आती है, सेम आती है, ठीक है, ये हमने देखा है। तो हमने क्या देखा, थीटा पर भी हमारे पास जो रेंज आई वही हमारे पास किस पर आए, 90 माइनस थीटा पर आई, ठीक है। ये फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज कहाँ आएगी। भाई आपने ये तो बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, या एक 30 है तो एक 60 हो जाएगा, तो 30 पर भी वही रेंज आएगी जो 60 एंगल के रेंज पर आएगी। ये कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। या जैसे एक 175 डिग्री का एंगल है और दूसरा कितना का हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जो 15 डिग्री के एंगल पर जो रेंज आएगी वही 75 डिग्री के एंगल पर आएगी, ये मतलब है इस थीटा और 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट का। अब आप हमें बताइए कि वो कौन सा एंगल होगा जहां पर रेंज मैक्सिमम आए, यानी कि हम किसी भी बॉडी को उस एंगल पर प्रोजेक्टाइल करें तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर या उसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज हमें फाइंड हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यू क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने उसे प्रोजेक्टाइल किया, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और जी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो आर को हमें मैक्सिमम करना है, तो आर को हम मैक्सिमम तभी कर सकते हैं जब साइन टू थीटा जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो, यानी कि साइन टू थीटा जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो से वन तक होती है, मैंने कल बताया था, ठीक है, कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, तो साइन थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, यानी कि साइन थीटा एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो जब हमने साइन थीटा को मैक्सिमम वन किया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि, और साइन थीटा वन कब होता है, साइन 90 पर होता है, साइन 90 पर क्या होता है, वन होता है, यानी कि इस 90 से हम इससे 2 थीटा की कंपेरिजन कर लेते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 को तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, यानी कि 45 डिग्री वो एंगल होगा जहाँ से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करें किसी भी वेलोसिटी पे तो उस वेलोसिटी के अनुसार वो मैक्सिमम रेंज तक फाइंड कर पाएगा, यानी कि थीटा वो 45 डिग्री वो एंगल है जिस एंगल पर हम उसे प्रोजेक्टाइल करेंगे किसी भी बॉडी को तो वो ज्यादा से ज्यादा रेंज हमें रेंज फाइंड कर पाएगी, ठीक है। तो रेंज विल बी मैक्सिमम इन द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री वो एंगल है जिस पर कोई भी प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम रेंज को फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल वाटर ऑल अराउंड इट, ठीक है, यानी कि कोई फाउंटेन है, इस प्रकार से फाउंटेन है और वो उसके चारों तरफ पानी क्या है, स्प्रिंकल कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है।
इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो कोई भी ये फाउंटेन है और इससे जब वाटर बाहर आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि u बराबर हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे पूछ गए व्हाट विल बी टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन व्हाट गेट वेट, ठीक है ना, यानी कि इस फाउंटेन के आसपास का कितना एरिया ये कवर कर रहा है। जब भी हम किसी भी फाउंटेन को देखते हैं तो वो ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है, तो इसके आसपास कितना एरिया वो कवर कर रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो एरिया हमसे कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे फवारा है, फाउंटेन है, तो उसकी एक जो वाटर की लाइन है वो इतनी रेंज फाइंड कर रही है, यानी कि अगर हमें ये रेडियस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं जिसमें से हम समझ पाएंगे कि केना क्या चाह रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये फवारा है, ठीक है, और यहाँ से स्प्रिंकल होती हुई वाटर की ड्रॉप इस प्रकार से इतनी दूर तक जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी, और इस प्रकार से बहुत सारी जो वाटर ड्रॉप्स हैं इस प्रकार से बाहर जा रही होगी, ठीक है, तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो एरिया हमें फाइंड होगा वो एरिया हमें फाइंड करना, यानी कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें आर फाइंड करना पड़ेगा, जो आर रेंज होगी उस एरिया की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी तो हम एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर से हम क्या कर लेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया हम फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, बस और कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या है कि सर एंगल तो हमें दे ही नहीं रखा, रेंज फाइंड करने का, तो हमारे पास क्या होता है, आर यू स्क्वायर साइन 2θ / g, ठीक है, तो यहाँ पे 2θ हमें नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि जो हमें एंगल दिया गया है वो θ = 45 डिग्री है, यानी कि हम ऐसा मान रहे हैं कि जो वाटर की ड्रॉप्स है वो 45 डिग्री के एंगल पर जा रही है, तो यहाँ से साइन 2θ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, u² / g, ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो u क्या है हमारे पास 10 है और g को भी हम 10 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 10 मीटर की हमारे पास रेंज आ गई, यानी कि हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास आ गई। अगर रेडियस हमारे पास आ गई तो हमारे पास एरिया भी आ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई को हम लिख देंगे 3.14, ठीक है, आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10 × 10, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया हो जाएगा, यानी कि उस फाउंटेन के द्वारा 314 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ रेंज हमने फाइंड की है, आपको अज्यूम करना, देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि इमेजिनेशन अगर अच्छी है ना, तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझे तो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से फिजिक्स पढ़ रखी है और मुझे समझ में आ रहा है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई मुझे नहीं समझना है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अगर क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरीके से इमेजिनाइजेशन कर सकते हैं कि हाँ फवारा फ्लो स्प्रिंकल कर रहा है, तो उसकी वाटर की ड्रॉप यहाँ पर जा रही होगी, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से वहाँ तक की दूरी कोई तो रेंज बोलते हैं, कि यानी कि जहाँ से किसी पॉइंट से हमने यू वेलोसिटी से भेजा तो वो कितनी दूर गई एक्स डिस्टेंस में, तो यही तो रेंज होती है। अगर मैं ये रेंज फाइंड कर लूँ तो मैं उसका पूरा एरिया फाइंड कर सकूँ, तो ये इमेजिनेशन माइंड में चलती रहनी चाहिए, तभी जाकर हम किसी भी न्यूमेरिकल को विजुअलाइज कर पाएंगे, नहीं तो मैंने करवा दिया, आपने कर लिया, ठीक है, देखेंगे दूसरा आएगा, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और माइंड में इमेजिनेशन चलती रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा होगा तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारी अप्रोच बढ़ जाती है,
एक हमारी स्पीड भी बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को यू पर भेजा है, तो इसका मतलब है कि उसका एंगल कितना होगा, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि एंगल दे रखा है नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है। अगर हमें थीटा दे रखा है और 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो हो सकता है कि वो हमसे रेंज फाइंड करवा रहा हो, तो हम देख सकते हैं कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो दोनों की रेंज इक्वल होगी। हमसे सीधा इक्वेशन पूछ रहा है कि आपने ना 65 डिग्री के एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को भेजा है, और उसी सेम वेलोसिटी से आपने किस पर भेजा है, 35 डिग्री के एंगल पर भेजा है, तो आप बताओ कि दोनों की रेंज में कितना डिफरेंस होगा, या दोनों की रेंज का रेशियो फाइंड करो। तो आप देखोगे कि दोनों एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 65 प्लस 35 क्या होता है, 90 होता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने ऐड कर लिया, और दोनों की दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की रेंज क्या होगी, 1:1 होगी, यानी कि दोनों की रेंज सेम होगी, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने विजुअलाइज किया कि हाँ ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो दोनों की रेंज बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ती है हमें, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल अप्रोच लगा पाते हैं फिजिक्स में। और मैथमेटिक्स की तो बात ही लगी, उसमें तो सब न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी हमें, ठीक है। अब हम आते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब आप तो वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और टाइम लिख दिया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल टाइम क्या है, कैपिटल टी, यानी कि जो भी फ्लाइट ऑफ टाइम है, ठीक है, आर अपॉन टी, तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया, ठीक है, और अपॉन में उसके यहाँ पर टी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ से जी काट दिया हमने, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2u साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 2u साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, u से u कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया u कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि जो प्रोजेक्टाइल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे किसके बराबर है, वो हमारे x कंपोनेंट के बराबर आई है। ux, u cos theta क्या होता है, हमारा x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है। या हम कैसे भी कर सकते हैं कि रेंज को हम कैसे फाइंड करते हैं, रेंज को हम फाइंड करते हैं x का कंपोनेंट वेलोसिटी का इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज की टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और अपॉन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो यू एक्स हमारे पास आ गया, और यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सर आपने जब एवरेज वेलोसिटी लिया तो आपने एक्स का कंपोनेंट ही क्यों लिया, वाई का कंपोनेंट तो लिया ही नहीं भाई, एवरेज वेलोसिटी फाइंड की तो मैंने सिर्फ रेंज ले लिया मैंने और फ्लाइट ऑफ टाइम ले लिया, तो सर आपने y की तो ली नहीं, एवरेज वेलोसिटी y में भी तो होगी, सोचो, सोचने लायक बात है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो होता है रेंज के बराबर, यानी कि हमने जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को भेजा तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो एक्स एक्सिस में जो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, वो क्या है, वो एक्स है, या वो क्या है, वो एक्स ही क्या है, रेंज के बराबर है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट आप मुझे ये बताओ कि जब ए पॉइंट से वाई डायरेक्शन में गई और वापस नीचे आ गई, तो जहां से चली थी वहीं पे आ गई, यानी कि ग्राउंड से चली और ग्राउंड पर ही वापस आ गई, ठीक है, तो y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, ठीक है, y डायरेक्शन में क्या हुआ, y एक्सिस पे क्या हुआ कि वो ग्राउंड से चली थी और ग्राउंड पर ही पहुंच गई, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो भी जीरो पर है और उसका फाइनल पॉइंट है वो भी जीरो पर है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट वो दोनों तो सेम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो उसकी कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी, ठीक है, ये सोचने का तरीका होता है कि सर आपने दोनों बार जब x और y में किया तो यहाँ पर भी x और y लगाओ,
ठीक है, तो x और y हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्योंकि y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो आप मुझे बताओ उसमें वेलोसिटी आएगी क्या, और वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है विद सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, बार बार कराते रहते हैं, हाँ सर पेन चलाना पड़ रहा है हमें, आप कैसे नोट्स बनाते हो। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट कर दिया, ए पार्टिकल थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, फ्रॉम 45 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से, यानी कि इस प्रकार से बिल्डिंग बना रखी है और यहाँ से u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से हमें भेज रखा है। ठीक है, फाइंड हाउ फार फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विल बी पार्टिकल, ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे कि आप ये डिस्टेंस फाइंड करो कि बॉटम से यहां तक की जहां पर पार्टिकल पहुंच जाता है वहां तक की हमें डिस्टेंस फाइंड करके बताओ। ठीक है, अगर ये यहां से भेजता तो ये रेंज हो जाती, ठीक है, यानी कि रेंज क्या होती है, और एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यही हम लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमने माना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है क्योंकि हमने यहाँ से जब भी हम छोड़ते हैं तो उसे हम जब भी नीचे जा रहा है तो हम उसे नेगेटिव ले रहे हैं, तो इस वजह से मैं स्टैंडर्ड सेम रख रहा हूँ, इसमें जो कर रखा है वैसा भी कर सकते हैं बट मैं स्टैंडर्ड सेम रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले बताया था वैसा ही बता रहा हूँ, इसमें जो कर रखा है वो भी गलत नहीं है बट मैं सेम स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्लस एक्स में चल रहा हूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो एक्स डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं डाउनवर्ड जाऊंगा तो इसे मैं नेगेटिव लेऊंगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मेरे को टाइम फाइंड हो जाए कि 45 मीटर की डिस्टेंस फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं एक्स कंपोनेंट से क्या करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे मुझे रेंज फाइंड हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिया गया है, कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन पढ़ो, कि हॉरिजॉन्टली ए पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली भेजा गया, यानी कि ये इसका केवल एक्स कंपोनेंट हमें दिया गया, वाई कंपोनेंट हमें नहीं दिया गया, वाई कंपोनेंट हमें नहीं दिया गया है तो उसे हम क्या मान लेंगे, यू वाई जो है वो क्या है, जीरो है हमारा। ठीक है, यानी कि एक्स हमें दिया गया, टाइम हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि y, तो x डायरेक्शन में हमारे पास क्या नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, टाइम हमारे पास नहीं है, ये x एक्सिस का है, तो यहाँ पर यू एक्स हमारे पास है। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम हमने यहाँ से फाइंड करके पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, यानी कि ये हमारे पास नहीं था और ये भी हमारे पास नहीं था। ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं था, और वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन क्या है, -10, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो हमने स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, यहाँ से हमने लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो -45 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये वापस प्लस आ जाएगा, यानी कि जो किया गया है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने T² = 9 आ गया, और T यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 सेकंड आ गया, यहाँ से जब 3 सेकंड हमने निकाल कर यहाँ पर रखा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन का, कि टाइम इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, यू एक्स, और टाइम क्या है, 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 मीटर हमारे पास आ गया, यानी कि जब 45 मीटर की बिल्डिंग से एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से भेजा जाता है तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आती है, 60 मीटर आती है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफ विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड राइट एंड प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू द पार्टिकल
फाइंड द ए बी या एस एक्स, ए बी या तो ए बी बोल दो या इसे एस एक्स बोल दो, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें फाइंड करना है। और इस बार हमें क्या दे रखा है कि इनिशियल जो यू एक्स है वो हमें दे रखा है, यानी कि हमारा जो वाई में वेलोसिटी है वो हमारी इस बार भी क्या है, जीरो। सिर्फ हॉरिजॉन्टल का हमें वेलोसिटी दे रखा है और वर्टिकल की जो वेलोसिटी वो हमें नहीं दे रखी है, इसलिए हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी दे रखी है और हमसे कहा गया है कि है ना विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट एंड द प्रोवाइड द एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इस बार हमारे पास एक्सेलरेशन भी है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, है ना। ठीक है, टुवर्ड्स राइट यानी कि राइट की ओर हमारे पास क्या है, विंड फ्लो हो रही है जिससे हमें एक्सेलरेशन फाइंड हो रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन भी है और वही 45 की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, वाई एक्सिस में लगाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस की चीजें हमारे पास है कि ए वाई जो है वो क्या हो जाएगा, -10 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ए वाई सॉरी यू वाई, यू वाई हमारे पास क्या हो जाएगा कि यू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जो एस वाई वो क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है, जो भी पार्टिकल है वो नीचे जा रहा है और उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी लग रहा है। ठीक है, तो हमने उसे लिख दिया और यहाँ से हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी -1/2 और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस मैंने पहले लिख दिया और यहाँ से मैं लिख दूंगा -45। ठीक है, यू वाई ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 10। ठीक है, माइनस पहले लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये वही 5/9 और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 सेकेंड्स। ठीक है, टी इक्वल टू वही 3 सेकेंड आ गए जो पहले किया था, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमने पहले किया था कि हम क्या करते हैं कि यू एक्स जो एस एक्स है उसको फाइंड कर लेते हैं यू एक्स इंटू टी से, बट और यहाँ पर क्या जाता था 20 × 3 यानी कि 60। बट इस बार ये लगा रहे हैं तो ये गलत लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस बार क्या है एस एक्स में क्या है, एक्सेलरेशन भी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, +1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, तो ये जो हमने लगाया है वो गलत है। ठीक है, हमने जो लगाया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता था, जब हमारे पास एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता था, इसलिए ये पूरी टर्म कट जाती थी और सिर्फ इतना सा ही हमारे पास बचता था। बट इस बार क्या है कि विंड के कारण भी हमारे क्या है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसे भी हमें कंसाइडर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं, तो 20 × 3 +1/2 इंटू कितना एक्सेलरेशन है, 2 m/2 और टी कितना है, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गए, तो ये क्या हो जाएगा, 60 + 9 यानी कि ये क्या हो गया, 69 m। ठीक है, तो एस एक्स क्या है हमारे पास, 69 m है। ठीक है, और जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्सेलरेशन की जो टर्म थी वो कट जाती थी और डायरेक्ट हम क्या करते थे, यू एक्स इंटू टी कर देते। अब इस बार क्या हुआ कि विंड ने हमारे पास एक्सेलरेशन दिया, तो एक्सेलरेशन की टर्म नहीं कटेगी और एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उससे भी हमें कंसाइडर करना होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये क्या आप बार बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते रहते हो, तो इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो वो आपसे यही पूछेगा कि है ना डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ, कि कोई भी पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस फाइंड कर रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा है। बट बनता क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला ही है, क्योंकि वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तब भी तो वो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू तो करवाएगा या फिर लॉजिक लगवाएगा वो उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वाले ही बनते हैं लगभग लगभग। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है बट इस बार इसमें थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किया था कि ए पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम ए टॉप ऑफ 45 m की हाइट की बिल्डिंग से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि इस प्रकार से
45 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से हमने पार्टिकल को भेजा है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं उसे 10√2 मीटर पर सेकंड से उसे भेज रहे हैं, और उसका एंगल क्या है 45 डिग्री है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल से हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है इस प्रकार से, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 10√2, ठीक है, 10√2 है। फाइंड हाउ फार फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विल द पार्टिकल लैंड, यानी कि जब पार्टिकल लैंड करता है हॉरिजॉन्टल पर तो वो कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से पार्टिकल को भेजा तो वो क्या करता है इस प्रकार से फ्लाइट करता हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लैंड कर देगा। तो हमें बताना है कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो आप हमें बताओ कि ये डिस्टेंस या ये रेंज कितनी होगी, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में किया था तो हमने शायद फाइंड किया था कि आप बताओ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऐसे फाइंड किया था कि यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तभी पार्टिकल नीचे आना शुरू होता है, तो वहां पर हमने किया था, मैं यहाँ पर दूसरा मेथड लगाऊंगा ताकि आपको दोनों मेथड पता चल जाए। जब हमने वहां पर किया था तो हमने क्या किया था कि इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया था, यहाँ से हमने T1 फाइंड किया था, यहाँ से हमने T2 फाइंड किया था, जाने में जितना समय लगता है आने में भी उतना ही समय लगता है, और ये हमने T3 फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2 हो जाता है, ठीक है, और टोटल टाइम जो होगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। ये तरीका आप खुद लगाएंगे, ठीक है, कि जाने में कितना समय हुआ, आने में कितना समय हुआ, और यहाँ पर जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम y कंपोनेंट ले लेंगे, y कंपोनेंट ले लेंगे, सिर्फ हम क्या ले लेंगे y कंपोनेंट ले लेंगे, तो इसका y कंपोनेंट बनाओ सर पहले, तो कि 45 डिग्री पर है तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये 10 रूट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो उनका हाइपोटेनस 10√2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से हमने वर्टिकली भेजा, ठीक है, तो उसमें T1 टाइम लगा, फिर वहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि इस लेवल पर पहुंचने में उसे T2 टाइम लगेगा। T1 और T2 टाइम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, यानी कि नेगेटिव में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है, वाई डायरेक्शन में लगाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा इसको दूसरे मेथड से, जिससे आपको क्या होगा कि ये तीनों टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसका पूरा टोटल टाइम एक साथ फाइंड कर पाएंगे, बट वो लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस वजह से मैं ये वाला तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये वाला तरीका आप स्वयं करेंगे, उसमें से क्या निकालेंगे, आप टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम आते ही आपको क्या करना है कि जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप देखेंगे कि सर आप इसे तीन भागों में डिवाइड क्यों करते हो, ठीक है, तीन भागों में डिवाइड करने का मतलब है कि हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि T1 टाइम में ऊपर गया, T2 टाइम में नीचे आया, और T3 टाइम में वो उस बिल्डिंग के लेवल से नीचे गया, यानी कि बॉटम पर पहुंचा। तो इतने टाइम में उस पर जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है तो इतने टी टाइम में वो आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि वो इतनी दूरी तय करेगा किसमें, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इस वजह से मैंने तीन टाइम में डिवाइड किया है और उसको हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि जब वो T1 टाइम में ऊपर जा रहा है तो T1 टाइम में एक्स कंपोनेंट में वो इतनी दूरी तय करेगा, फिर T2 टाइम में वो इतनी दूरी तय करेगा, और T3 टाइम में बाकी की दूरी तय करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम है ना इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। किसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। क्यों कि भाई y डायरेक्शन में आप हमें बताओ कि y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 45 है, ठीक है, 45 है, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन में ये बॉटम पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। हमसे क्या पूछा गया है कि सॉरी हम यहाँ पर टॉप पर हैं और फिर फाइनल पॉइंट में हम बी पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है, यानी कि हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है।
हमारा इनिशियल पॉइंट है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट की सीधी दूरी कितनी है, सिर्फ वाई डायरेक्शन की देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये हाइपोटेनियस मत खींच देना, सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो भाई सर हम यहाँ से टॉप पर थे और टॉप से हम बॉटम पर पहुंच गए, जो टॉप से बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही वाई डायरेक्शन का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि पहले हम ऊंचाई पर थे, अब हम नीचे पहुंच गए हैं, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड कहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से देखेंगे तो हम कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में गए, यानी कि बॉटम पर पहुंचे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं, तो यहाँ पर टॉप पर क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, यानी कि प्लस 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमें एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई क्या होता है, जी के बराबर होता है, माइनस जी के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन आ गया। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो हमने कैपिटल टी टाइम फाइंड कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे फाइंड करेंगे कि वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा देंगे, यू टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर, यहाँ पर हम कैपिटल टी रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस वाई, वैल्यूज ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 45, ठीक है, प्लस का 10 क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, और ये कैपिटल टी पूरा टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम कैसे आ जाएगा, टॉप से बॉटम चले गए, टॉप से बॉटम चले गए, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब हम यहां पर टॉप पे थे, ठीक है, पूरे टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आप देखेंगे, तो पूरे टी टाइम में ऊपर गया नीचे गया, और यहाँ का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पर था उसी लेवल पर पहुंच गया वो, तो जिस लेवल पर था उसी लेवल पर पहुंच गया, तो उसका जो y कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि मान लो ये पॉइंट इस पॉइंट से चला और इसी लेवल पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि इस लेवल से गया और इसी लेवल पर पहुंचा तो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और जब इस लेवल से नीचे आया, यानी कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, बिल्डिंग की हाइट के बराबर का हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 10, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में लिख रहा हूँ टोटल टाइम को, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 20 माइनस का 10 टी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी, और ये हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं इधर लिया है, मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी, क्या होता है श्रीधराचार्य विधि में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 यानी कि 36, और अपॉन में 2, यहाँ पर a होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल T इक्वल टू प्लस 2 प्लस माइनस 9, 4 जा 36, 36 4 जा 40, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट बच जाएगा 10, 4 को बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस प्लस 1 प्लस माइनस रूट 10, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल T का वैल्यू क्या आई है, कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 1 प्लस माइनस रूट 10, ठीक है, दोबारा से लिखते हैं ढंग से, ठीक है, प्लस 1 प्लस माइनस रूट 10, ठीक है, और नेगेटिव में हमारे पास, क्योंकि 1 क्या है, 1 है, और रूट 10 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी 1 से, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा टाइम, तो हम केवल कौन सा टाइम लगे, कैपिटल वाला पॉजिटिव वाला टाइम लगे, तो उसमें क्या लिख देंगे, 1 प्लस रूट 10, ये वाला हम टाइम लेंगे, ये टोटल टाइम है जिसमें बॉडी ऊपर गई
नीचे आई और फिर बिल्डिंग का जो टॉप लेवल था उससे बॉटम में गई, ठीक है। इस टोटल टाइम से हम क्या करेंगे, ये रेंज फाइंड कर लेंगे। तो y जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। यू एक्स कितना है 10 और टी कितना है, टी है 1 प्लस रूट 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 10 1 प्लस रूट 10 मीटर, ठीक है। यानी कि ए से बी पॉइंट में इतनी डिस्टेंस हमें फाइंड होगी, इतनी रेंज हमें फाइंड होगी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया। अगर आपको जो मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बताया था उसमें मैंने तीनों टाइम डिवाइड कर रहे थे, वैसे आप करेंगे और टोटल टाइम फाइंड करेंगे और फिर टोटल टाइम को फाइंड करने के बाद ऐसे रख देंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। ये आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका टोटल टाइम कैसे फाइंड करते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, कैसे किस में लगा दी, हमने डायरेक्ट वाई डायरेक्शन में क्या लगा दी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी कि पहले इनिशियल पॉइंट टॉप पर था और फिर फाइनल में क्या हुआ, वो बॉटम में चला गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी वाई एक्सिस के कंपोनेंट को लेकर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का मतलब है कि अगर आप उसे एक्स वाई प्लेन पर डिनोट करते हैं तो जैसे जैसे एक्स वेरी हो रहा है तो वाई कितना वेरी हो रहा है, ये बताना प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो हम एक्स डायरेक्शन में जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का इनटू टाइम, ठीक है। तो उतना समय फाइंड करना है और डायरेक्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। वैसे थीटा एंगल पर हमने यू वेलोसिटी से भेजा तो एक्स डायरेक्शन और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब हम ये जो पैराबोलिक फॉर्म है उसका हमने ट्रेजेक्ट्री बतानी है, यानी कि इस पैराबोला की हमें इक्वेशन बतानी है। तो हमने क्या किया कि टी टाइम में जो यू एक्स था, यू एक्स है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गए। अब इस और वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या जानते हैं कि वाई कंपोनेंट में हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, तो ये हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगा दिया और ये क्या है हमारे पास वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है। तो यू इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया, यहाँ से हमने टी निकाल लिया, ठीक है। तो इन एक्स को और टी को हमने एक्स टी को हमने क्या किया इसमें पुट कर दिया, टी को हमने क्या किया दोनों इक्वेशन से टी को एलिमिनेट कर दिया और टी को हमने क्या लिया एक्स अपॉन कोस टी लिख दिया, एक्स अपॉन कोस टी लिख दिया, ठीक है। और उसे सोल्व किया तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाता है और ये क्या हो गया यू एक्स क्या हो गया हमारे पास यू कहाँ गया, हाँ यू से यू कट गया और ये क्या हो गया एक्स टेन थीटा हो गया और 1/2, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर किया और यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाती है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाए प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है कि x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि y की जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है हमने उसमें से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे x के तरीके में तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि इफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल इन ए ग्राउंड टू ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से ग्राउंड पर भेजा है और प्रोजेक्टाइल किया है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इस प्रकार की है, ठीक है। तो आप फाइंड करो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन क्या है, यानी कि हमें जो इनिशियल वेलोसिटी यू होती है वो हमें फाइंड करनी है और हमें क्या करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम देख सकते हैं कि थीटा हमें दिया गया है, यहाँ से भी थीटा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे से भी थीटा फाइंड कर सकते हैं और ये क्या है हमारी स्पीड है, किसकी स्पीड है, ये हमारी स्पीड है मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो स्पीड है जिससे हमने उसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो
तो यहाँ पर अगर ये क्या होती, ये एक्स टेन थीटा होती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स है बट टेन थीटा नहीं है, और यहाँ पर क्या होती है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लीकेशन वन है, तो जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा वो इक्वल है वन के, और जब टेन थीटा इक्वल होता है तो ये क्या होता है, 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास आ गया। अब हम इसकी, इस पूरे जो कंपोनेंट है इसकी कंपेरिजन इससे कर देंगे, ठीक है। तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जी क्या होता है, टेन होता है, ठीक है, जी क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। केवल हमें वैल्यू रखनी, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यानी कि जो ग्रेविटेशन का माइनस है वो पहले आ रहा है, ठीक है, वो पहले से ही कंपेरिजन में हो चुका है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यू फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या है, रूट थीटा की वैल्यू क्या है, 45, और कोस 45 क्या होता है, कोस 45 होता है 1/√2, ठीक है, और कोस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 1/2 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 2 यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 40, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू 400, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने क्या किया, कंपेयर किया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें दे रखी थी, उसकी हमने जो स्टैंडर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाई है उससे हमने कंपेरिजन किया, तो वहाँ से हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि दो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या हमें आगे पढ़ना है। कि पाथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कि कोई भी जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तभी हम क्या लगाते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाते हैं, ठीक है। अगर फॉर जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से चलना शुरू हो रहा है वो, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर कोई पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू होता है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की होती है, अलोंग द किसकी डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट से चलना शुरू हो रहा है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, और किसकी डायरेक्शन में होगी, जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि फॉर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट केस बनता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर कोलिनियर, देन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि हमने क्या कहा कि अगर जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी जीरो नहीं है, और जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारा जो एक्सेलरेशन है अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। जैसा कि हमने देखा था कि मोशन इन अंडर ग्रेविटी, उसमें क्या किया था हमने, यू वेलोसिटी से हम अप करते हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो क्या होता है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या क्या कहा कि कोलिनियर हो, तो कोलिनियर है बट कहाँ लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में लग रहा है, ऐसा नहीं कहा गया है कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सिर्फ कोलिनियर बोला है हमसे, वर्ड कोलिनियर बोला है, सेम कोलिनियर एंड सेम डायरेक्शन नहीं बोला है। अगर कोलिनियर प्लस सेम डायरेक्शन है तब भी क्या होगा, मान लीजिए कि यू डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तब भी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी। अगर यू ऊपर जा रहा है
और उसी के को लीनियरली एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब भी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अगर हमसे सेकंड केस में कहा गया कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नॉट कोलिनियर, जैसा कि अभी हो रहा है कि अभी क्या होता है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा कोण पर भेजते हैं, यानी कि उसकी यू की जो डायरेक्शन है वो ऐसे, बट उस पर क्या लगता है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है और एक्स में तो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा कि ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि इसकी जो लाइन है डायरेक्शन की वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोनों क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नॉट कोलिनियर देन पाथ विल बी पैराबोलिक, तब पाथ क्या बनता है हमारा, पैराबोलिक बनता है, जिसकी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखी। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि अगर जीरो रेस्ट से किसी पार्टिकल को चलाना शुरू करते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और कहाँ जाएगा वो जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसके अलोंग डायरेक्शन चलना शुरू हो जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो उसके दो केस बनते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और वो एक्सेलरेशन के साथ को लीनियरली है, या तो वो अपोजिट है या वो सेम डायरेक्शन में, तब भी हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगी, सेम लाइन आएगी, जैसे कि मोशन इन अंडर ग्रेविटी हम देखते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो को लीनियरली नहीं है, यानी कि जैसा हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो यू थीटा एंगल पे और जो हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड लग रहा है वर्टिकली, तब क्या होता है कि को लीनियरली नहीं है, तो उनका सॉरी तब क्या होता है कि उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होती है, पैराबोलिक शेप की होती है, यानी कि जब एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उनकी डायरेक्शन कोलीनियर डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होती है, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया कि पाथ कैसा होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है बट यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और ए क्या है, कोलिनियरली है, या तो अपोजिट में या सेम डायरेक्शन में, तब भी क्या होगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा गया कि अगर यू जीरो नहीं है, यू एंड ए आर को नॉन कोलिनियर है, यानी कि दोनों कोलिनियर नहीं है, तो उनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक शेप्ड का होगा। ठीक है, तो यहां तक का हमने पढ़ा है, जिसमें हमने क्या देखा कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी और ट्रेजेक्ट्री का स्ट्रेट लाइन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से हमने रिलेशन फाइंड किया है। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और बचते हैं, जिसमें हमें ना कि बारिश हो रही है तो छाता किधर खोलना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट आ जाता है, रिलेटिव मोशन हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, बट हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन को टू डायमेंशनल में देखेंगे। और एक होता है बोट मेन प्रॉब्लम्स, है ना, जिसमें मेन क्या करता है, रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो इधर उधर चला जाता है। ठीक है, इसी को ऐसे ही बोट मेन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इसमें भी वैसे ही कंसेप्ट लगाएंगे हम, वही अगर 2D में चल रहा है तो उसकी वाई डायरेक्शन की अलग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग फाइंड कर लेंगे, जो हमसे पूछा जाएगा उस डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। ठीक है, तो वो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी उसी में से आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसके बाद में हम वो बोटमैन प्रॉब्लम और अम्ब्रेला प्रॉब्लम के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो हम पढ़ेंगे, और फिर लगभग इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं।